हेलो दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। और दोस्तों आज है मेरे पास Redmi Note 8 Pro। जी हाँ दोस्तों Redmi Note 8 Pro, तो बैक साइड से मैंने आपको दिखाई दिया है, चलिए एक बार आपको इसका एवर फोन दिखा देते हैं। तो इस फोन के लिए मेरे पास एक दो भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि भाई Note 8 Pro में पबजी टेस्ट करिए, वो भी अपडेट के बाद, तो रैंगल 2.0 के बाद मैं इसमें टेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको एवर फोन दिखाई दिया, आप सीधे इसमें पबजी प्ले कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करेगा। तो अगर बात करें मेरे पास ये कौन सा वेरिएंट है, तो मेरे पास 6 GB रैम वहीं 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। जी हाँ दोस्तों 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। चलिए पबजी थोड़ी देर में ओपन होने वाला है, सबसे पहले आपको इसे ग्राफिक्स दिखाएंगे, फोन कौन कौन से ग्राफिक्स सपोर्ट करने वाला है। चलिए तब तक बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। तो इस फोन में आपको MediaTek का हीलियो G90T का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है और बहुत ही अच्छी गेमिंग आपको करा देता है। चलिए देखते हैं फोन कौन कौन से ग्राफिक्स सपोर्ट करेगा। पबजी ओपन होने के बाद में आप सबसे पहले आपको ग्राफिक्स ही दिखाने वाले हैं, उसके बाद में इसका जायरोस्कोप की बात करेंगे, फोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। तो सारी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरी देखना बिना स्किप किए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं फोन के कैमराज के बारे में। तो इस फोन में आपको काफ़ी अच्छे कैमरे दिए गए हैं। अगर सेल्फी के लिए बात करें तो सेल्फी के लिए आपको 20 MP का कैमरा दिया गया है, जिससे आप काफ़ी अच्छे अच्छे सेल्फी ले लेते हो। चलिए इस सबको मैं ओके कर लेता हूँ, उसके बाद में सबसे पहले आपको इसके ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं, फोन कौन कौन से ग्राफिक्स सपोर्ट करेगा। चलिए इस सपोर्ट लेता हूँ, उसके बाद में आपको सबसे पहले इसके ग्राफिक्स दिखाने वाले हैं, फोन कौन कौन से ग्राफिक्स सपोर्ट करेगा। चलिए पबजी ओपन हो चुका है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं और उसके बाद में आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, Redmi Note 8 Pro कौन कौन से ग्राफिक्स को सपोर्ट करने वाला है और इसका जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। सारी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरी देखना। चलिए इसे कैंसिल करेंगे, आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पर क्लिक कर देंगे। तो ग्राफिक्स पर क्लिक करोगे तो आपको ग्राफिक्स दिखाने वाला हूँ, तो स्मूथ में आपको एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैलेंस में अल्ट्रा, अगर बात करें HD की तो HD में भी आपको अल्ट्रा का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए HD प्लस अल्ट्रा में एक गेमिंग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको फोन कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है। अगर आप इस फोन में HD प्लस अल्ट्रा पर गेम प्ले करना चाहते हो तो कैसी परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। चलिए जायरोस्कोप ऑन कर लेते हैं और उसके बाद में थोड़ी इसकी सेंसिटिविटी भी हम फुल कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से बता पाएं कि फ़ोन का जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। चलिए सेंसिटिविटी को और थोड़ा फुल कर देता हूं मैं, फर्स्ट पर्सन की फुल कर लेते हैं और रेड डॉट और टू स्कोप की भी फुल कर देते हैं। तो मैं आपको इसी पर दिखाने वाला हूं फोन कैसी परफॉर्मेंस देने वाला है और इसका जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है। दोस्तों आपके पास में ये फोन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मैच स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद में दिखाते हैं आपको फोन की परफॉर्मेंस। तो चलिए मैं कोई भी एक मैच स्टार्ट कर लेता हूं छोटा सा, उसके बाद आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूं। मैं आपको उतना अच्छा गेम प्ले तो नहीं दिखा पाता हूं, क्योंकि मेरा आधा ध्यान वीडियो बनाने पर होता है और आधा ध्यान गेम प्ले पर, तो गेम प्ले अच्छा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन सिर्फ फोन की परफॉर्मेंस आपको बताने वाला हूँ। तो बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। दोस्तों इस फोन का प्राइस जो भी होगा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो फ्लिपकार्ट पर इसका प्राइस लगभग 16,000 के आसपास है, तो मैं आपको जो भी प्राइस है वो स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो भाई आपसे कहना चाहूँगा 16,000 रुपये में काफ़ी अच्छा फ़ोन है, ऐसा नहीं है कि फ़ोन बेकार है। मैं आपको अगर आप इसे लेने वाले हो तो आपसे मना नहीं करूँगा, आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि प्रोसेसर काफ़ी अच्छा दिया गया है। चलिए अगर आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो तो जायरोस्कोप काफ़ी अच्छा वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन भी रखते हो तो भाई कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, आप काफ़ी अच्छे से जायरोस्कोप यूज़ कर सकते हो। जैसा कि आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे इसमें जायरोस्कोप में शायद नहीं मिलेगी। चलिए आगे गन लेने के बाद में आपको दिखाते हैं, अगर जायरोस्कोप ऑन रखने के बाद आप रिकॉल कितने हद तक अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि भाई जायरोस्कोप का रिकॉल कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा मदद मिल जाती है। अगर आप जायरोस्कोप ऑन रखते हो तो रिकॉल काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर लेते हो, बिल्कुल भी रिकॉल नहीं होता अगर आपका फोन का जायरोस्कोप अच्छा है। तो चलिए आगे दिखाएंगे आपको जायरोस्कोप इसका कैसा वर्क करेगा, अभी मैंने आपको बता दिया है, फिलहाल जायरोस्कोप काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। गन लेने के बाद में दिखाएंगे इसका जायरोस्कोप कैसा वर्क करेगा। तो प्राइस मैंने आपको बता दिया, बैटरी की बात करें बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो आप अगर इसमें पबजी खेलना भी चाहते हो तो काफ़ी अच्छे से आप इसमें पबजी खेल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अगर आप इस फोन को लेने वाले हो तो भाई बिल्कुल ले सकते हो, मना नहीं करूँगा। अगर आपको कोई सस्ता फ़ोन लेना है तो आप Redmi Note 9 खरीद सकते हो, सिर्फ Redmi Note 9 Pro नहीं, तो 12,000 रुपये आपको मिल जाता है। इसे थोड़ा ऊपर खरीदोगे तो पोको M2 Pro आप खरीद सकते हो, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से गेमिंग भी करा देता है और काफ़ी अच्छी बैटरी आपको उसमें मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों अगर आपके पास मेरे फोन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि Redmi Note 8 Pro में कैसा पबजी चल जाता है। तो अगर आपने पबजी को अपडेट कर लिया है और अभी आप भी पबजी खेलते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप किसी फोन में जानना चाहते हो भाई उस फोन में पबजी कैसा चलेगा, तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, कोशिश करूंगा आपके हर कमेंट पे वीडियो बना दूं, वरना कमेंट के रिप्लाई मैं जरूर देता हूं। चलिए मैं जंप भी कर चुका हूं, तो लैंडिंग के टाइम पे मुझे कोई भी लैग नहीं मिला है। अगर आपका नेट कनेक्शन सही है और आपका पिंग सही आता है, आपके यहाँ कनेक्शन जो भी नेट आप यूज़ कर रहे हो अच्छा मिल रहा है आपको कनेक्शन, तो आपको पबजी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। जैसे कि आप मेरा भी देख पा रहे हो, फिलहाल नेट कनेक्शन बिल्कुल अच्छा है, जो ज़्यादा पिंग मेरा हाई नहीं है, तो भाई पबजी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है,
कोई भी दिक्कत नहीं है इस फोन में। तो आप खेलना चाहते हो Redmi Note 8 Pro में तो आप काफी अच्छे से इसमें पबजी खेल सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे कोई गन वगैरह लेके देखते हैं और उसका स्कोप जायरोस्कोप भी हम आपको दिखाने वाले हैं कैसा इसका जायरोस्कोप वर्क करता है। तो अदरवाइज मैंने आपको बता दिया अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हो तो भाई बिल्कुल खरीद सकते हो। अगर आपके पास में फोन है तो गेमिंग बिल्कुल कर सकते हो। इसमें गेमिंग प्रोसेसर आपको दिया गया है, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है जो इसमें आपको दिया गया है। तो काफी अच्छा प्रोसेसर है, काफी अच्छी बैटरी आपको दी गई है, काफी अच्छी फोन की लुक मिल जाती है। तो Redmi Note 8 Pro बहुत ही अच्छा फोन है, अगर आप लेना चाहते हो तो भाई ले सकते हो, काफी अच्छा फोन है। बैटरी काफी अच्छी मिल जाती है। कैमरे की बात करें तो कैमरे की क्वालिटी काफी अच्छी है, अगर आप इसे पिक्चर खींचना चाहते हो सेल्फी लेना चाहते हो तो काफी अच्छी सेल्फी आपको इसकी मिल जाती हैं। अगर आपके पास ये फोन है तो आपको उस फोन को लेकर क्या आपकी राय है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो भाई कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी थोड़ा एक आइडिया हो जाए किस फोन को लेना लें या ना लें। तो आपको अगर इस फोन की कोई बात बुरी भी लगती है कोई भी वजह तो उसे कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो बात हमें भी पता चल जाए और हम आप ही भाइयों को बता सकें जिन्हें वो बात नहीं पता हो। तो चलिए आगे वीडियो को जरूर देखिएगा, मैं थोड़ा जायरोस्कोप भी आपको दिखाऊंगा, इस फोन को जायरोस्कोप कैसा वर्क करता है रिकॉल भी आपको थोड़ा दिखाने वाला हूं। तो आगे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, थोड़ी सी वीडियो रखेंगे तो आपको बताने वाले कि फ़ोन की परफॉर्मेंस क्या मिल जाती है। तो मैंने आपको बता दिया फोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आप इसे काफ़ी अच्छे से यूज कर सकते हो, सिर्फ आपको जायरोस्कोप दिखाने वाला हूं। तो देख लीजिएगा रिकॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है अगर आप इस फोन का जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन रखते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। चलिए थोड़ा और गेम प्ले को आगे देखते रहिएगा, पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।